ये व्लॉग में स्कॉटलैंड सीरीज का सबसे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग व्लॉग है, तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। भाई आज हमारा लास्ट डे इस होटल में, एडिनबरा में, इस ट्रिप पे स्कॉटलैंड में लास्ट डे है। बट आज ही हम सबसे ज्यादा चीजें करने वाले हैं। पहले बुकिंग कर रखी है, अब बस निकल रहे हैं 5 मिनट में। अभी 11:20 हुए हैं। पहले 12:20 की एक बुकिंग है द स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस की, जो कल हम नहीं कर पाते क्योंकि वो फुली बुक था। उसके बाद 1 बजे की बुकिंग है वहीं पे, जो कैसल था उसकी, उसके टूर की। एंड देन उसके बाद 2:30 बजे की बुकिंग है हैरी पॉटर म्यूजियम की। वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। बार्ली मिर्गी उठा ले, घर पे बना दूंगा। इतने पैसे क्यों खर्चने यार, पहले ध्यान दिया था तो यहीं से पूरा ड्रोन फुटेज ले लेता यूके का, मतलब स्कॉटलैंड का, मतलब जो भी है। सॉरी गाइस, हमें एक टेस्ट टेस्ट के लिए विस्की चूज करनी है तो मैंने ये वाली करी। फिर हम गए दुनिया के सबसे बड़े अनओपन्ड विस्की बॉटल कलेक्शन की तरफ। तो भाई ये है दुनिया का लार्जेस्ट कलेक्शन स्कॉच विस्की का, अनओपन्ड बॉटल्स का। इन्होंने हमें गत्ता भी दिया साथ में, तो कि हम अपने ग्लास को इसमें रख के घर ले जा सके। तो मुझे पता नहीं था, बहुत अजीब लगा भाई। पता नहीं था मुझे इस बारे में पूरा, थोड़ी सी थी इस बारे में, सारी पी गया, सबके पास अभी तक बची हुई है, पता चल गया मेरा तो। अब भाई इतने हमारा ये टूर खत्म हुआ, इतने हमारे दूसरे कैसल वाले टूर का टाइम होगा, तो बस जल्दी से वहाँ जा रहे हैं भाई। ऑनलाइन बुक टिकट यहाँ से कलेक्ट करनी है। लाल किला आ गया, लाल किला। This is pure waste of money, but we are still going because we want to explore, man, and we have got loads of money. घर में रखा पैसे की बोरी। ये हम आ गए हैं भाई कैसल के अंदर, जैसे हम घुस गए। अब बस कुछ नहीं है भाई, बस वॉक है, पूरा घूम के आ सकते हो, ऊपर चढ़ इतना ही है। Guys, हर रोज 1 बजे, संडे के अलावा, संडे में छुट्टी में रहता हूँ, मैं एक बंदूक फायर करता हूँ यहाँ पे। और वो बंदूक इसलिए होती है ताकि मुझे टाइम का पता लग जाए जब मैं अपनी शिप ड्राइव कर रहा हूँ। यस यस, थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर सच अ क्यूट जेस्चर। एंड आई एम गोना टेक यू देयर वेयर दिस गन इज। या या, ये बंदूक चलने वाली है ताकि मेरे दोस्त धार से बाहर चल जाए। आज हमें चलाने का मौका नहीं मिला, ट्रिप पे आ रखे थे, अब वैसे ही पैक करवा रहा हूँ मैं, क्या कर दे यार। सुनाई दे रहा भाई, चश्मा लगा तभी तेरी भाषा से सुनाई देगी मुझे। यार हमने ये गन पैक कर दी क्योंकि अभी हॉलीडेज पे है, दोनों साथ में ही है, क्या एक दूसरे को टाइम बताएंगे। या एग्जैक्टली भाई, सुन ये देख, बेबलेट वाला ड्रैगून। ओ भाई एक नंबर, क्या होता है ये। किसका? ब्राउन मुंडे का? नहीं, एनआरआई लॉन्डास। ओए भाई भाई, फिर हेरा फेरी वाली बंदूक। ए राजू बंदूक देना। कुछ भी नहीं, इसका मार्केट में हमें 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़ नहीं, पैसा ही पैसा होगा। तूने बीच में चश्मा उतारा था ना? ओ शिट, नहीं आई एम गोइंग पिस। यस, यू गोइंग टू पिस। तो एकदम नाइट मोड हो गया भाई, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। चल उस चल। Een ontsnappingsplan zonder de minste twijfel. En dan weer dapper terug in de boeien. Bij jou is ook hartig jelle. He's asking Americans to put down their arms. Kiesi ke liye takat hota tha, to kisi ke liye hammer. Defense kisne faltu paise diye, paise bana di. Upar so, kaise bhar rakhe hain log.
तो गाइस हम फाइनली एनआई लॉन्डर्स हम इधर आ गए हैं फॉर हर आफ्टरनून टी विल ड्रिंक इट लाइक दिस यू नो लाइक दिस एट द कैस्टल एट द कैस्टल वी आर फॉर आफ्टरनून टी एंड आप सोच रहे होंगे कि व्हाई दिस बिकॉज़ वी डोंट हैव मनी सो वी गोना लाइक बंदूक की नोक पे चाय दे दो इसको लाके दिखाओ बंदूक की नोक पे चाय दे दो मैंने आई बॉयज ने सोचा कि टॉयलेट हो रहा है टॉयलेट तो भी हमें सुसु करना है वी हैव टू पिस क्या हमारा तीसरा लौंडा इधर है एनआई लौंडे इज इन देयर या एनआई लौंडास ब्राउन बॉयज इन द बिल्डिंग वी आर रैपर्स वी आर म्यूजिशियंस बम 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 वी आर पोएट्स एक्चुअली हम करते हैं मजे हम करते हैं कैश चाहिए थोड़ा पैसा थोड़ा सा कैश हमको दे दो थोड़ा सा पैसा हम है भूखे हमको दे दो थोड़ा पैसा हम है भूखे वरना खाओगे तुम भूखे तो भाई एक यहाँ पे जो सोल्जर डॉग्स वगैरह हैं मैं और ऑफिसर डॉग्स हैं उनके लिए भी एक सेमेट्री बना रखी है मतलब कब्रिस्तान टाइप में तो यहाँ पे उन डॉग्स को दफनाया जाता है चले भाई फिर हैरी पुत्र के पास हैरी पोहा भाई हमारा एक्चुअली आउटडोर टूर है तो ये है मीटिंग पॉइंट यहाँ पे लोग खड़े हैं ना ये मीटिंग पॉइंट है नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड के सामने आउटडोर तो मैं दे देता तुम्हें इतनी बुकिंग क्यों कर दी माय नेम इज मेसन आई विल बी योर टूर गाइड दिस आफ्टरनून देयर वाज नो फिल्मिंग डन हियर इन सेंट एडिनबरा हाउएवर जेके रॉलिंग शुड लिव हियर व्हाइल शी राइटिंग द बुक्स देयरफॉर शी गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन चीटिंग विद just one change. Yeah, I got. तो गरुड़ द्वार आया ग्रिफिन डोर सबसे बेस्ट वाला हैरी वाला लगभग दो घंटे का वॉकिंग टूर है सिटी के अराउंड Come out. भाई वोल्डेमॉर्ट के कैरेक्टर के नाम की इंस्पिरेशन यहाँ से मिली थी जेके रोलिंग को भाई पीछे जो ये स्कूल है ना यहाँ पे हैरी पॉटर के ऑथर जेके रोलिंग ने अपने बच्चों को भेजती थी तो उसने यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन लिया हॉगवर्ट्स के लिए हाउसेस के कलर्स हैं सारे सेम कलर लिए उसने बट उसने जो भी चीज़ें करी थी मतलब जो भी हॉगवर्ट्स की बहुत सारी इंस्पिरेशन उसने यहाँ से ली थी हाँ फीस थी £1,000 पर सेमेस्टर जब अपने बच्चों को भेजती थी और अब जैसे ही पता चला कि जेके रोलिंग के बच्चे यहाँ पढ़े हैं अब £10,000 है एक सेमेस्टर छः महीने £10,000 10 लाख रुपये तो भाई बेसिकली सेमेट्री में जेके रोलिंग बहुत आती थी घूमती घूमती थी तो यहाँ से उसने बहुत इंस्पिरेशन ले रखी है अलग अलग नामों की अलग अलग कैरेक्टर्स की उसने यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन लिया है तो भाई इस खिड़की के यहाँ पर जो ये वाली खिड़की है यहाँ बैठ के जेके रोलिंग किताब लिखती थी अभी हम इसके अंदर जा सकते हैं इसमें आग लगी थी लगभग 1.5 साल पहले तो अभी तक रेनोवेशन चल रही है उसकी प्रॉपर तो अभी तो वरना अंदर का दिखाता हूँ मैं तो भाई ये छुमंतर गली में जा रहे हैं हम गुड राइटर भाई जो मेरे पीछे स्टैचू है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट और उससे घोड़े का स्टैचू है तो इसके पीछे एक बहुत मस्त कहानी है तो इस स्टैचू के लिए सिटी ऑफ एडिनबरा ने एक पेंटर को इंस्टॉलमेंट से पैसे देने थे बट उन्होंने उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी पेमेंट की तो उसने क्या किया एक चेंज कर दिया कि अपना बदला लेने के लिए एक तरह से जो घोड़े के कान है वो उसने सुअर के कान लगा दिए ये घोड़े कान ऐसे नहीं होते भाई एडिनबरा में विस्की से फालतू एक ही चीज़ है स्टारबक्स इतने सारे देख लिए ना मैंने हाथ धोए इंडियन रेस्टोरेंट में आने के अलग मजे ही है कि यहाँ पे ना अपना बढ़िया अपना खाना मिलता है और इस वाले में तो कितनी सारी चीज़ें इतनी फनी चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पे आने का सबसे मेन रीज़न तो ये है कि भाई यहाँ पे मिलते हैं बॉटमलेस चाय तो मेरे दोस्तों का ही मज़े है मैं तो चाय वाय पीता भी नहीं पर बढ़िया देखो 3.2 pounds में चाय है कितनी भी पियो पर शाम के 6 बजे तक इसकी है बाबा खुशबू तो बिस्की सुंगा रहे थे वहाँ हाँ बताओ चाय से बढ़िया क्या होता है यार भाई चाय पीता है तो क्या होगा थोड़ी स्मेल तो ले सकता हूँ बढ़िया सी अरोमा नाइस बंदे नहीं बड़ा पीता नहीं
भाई चाय क्या था, सब कुछ महंगा है भाई। घर जाने में अब लगभग 2 घंटे बचे हैं और अभी जो 2-3 छोटी-छोटी चीजें लिस्ट पे वो करनी है। अब क्या करें पहले हम? हाँ तुम्हें सब बता दूँ, बहुत तेज हो रहे हो। एक बार एक डीप फ्राइड मार्स बार खानी है क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, मतलब बाकी हर जगह स्टीरियोटाइप है, यहाँ के लोग हर चीज़ को पकौड़े की फॉर्म में खाते हैं, हर चीज़ के पकौड़े बना देते हैं। तो एक मार्स बार चॉकलेट बार है वो खानी है। गाइस पता नहीं जब से हमने वो स्कॉच के उसमें वो ट्राई करे थे तब से अलग ही अकड़ में है। मैं चश्मा उतारता है अपना एक पॉकेट एक हाथ में पॉकेट में अंदर बैठे भाई, एक शब्द नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता तब से, पता नहीं क्या हो गया इसका। भाई ठीक हो? बाकी सबको मैंने अपना सामान वगैरह करके भेज दिया है आगे, क्योंकि अगर मैं अकेला नहीं भागता तो मेरी मार्स बार रह सकती है जो मुझे खानी है। मैं शुरू से सोच के आया हूँ तो रोड तक नहीं कर पाए और मैं छोड़ना चाहता तो है, तो स्टेशन के पास ही लेकिन इतने में हम पहुँचे ट्रेन का टाइम हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ जल्दी से बस उस पकड़ के आगे निकल जाऊँ और होपफुली टाइम में पहुँच के सबके लिए मार्स बार लेकर स्टेशन पर टाइम पर पहुँच जाऊँ। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बिल्कुल टू क्लोज फॉर कम्फर्ट, तो मुझे कैंसिल ही करना पड़ा मार्स बार। तो यार पता नहीं कब मौका मिलेगा, बट अब ये अब तो मेरी ये लिस्ट पे ऐसा आ गया है, ये करे बिना तो मरना नहीं। तो देखो निराशा के साथ अंत होता है इस ट्रिप का। थैंक्स ब्रो, क्या करूँ, आ गया तू, हो गया नहीं मिला तो कोई नहीं या तो हमारी ट्रेन फिर भी मिस हो गई। तो भाई अब हमने क्या करा, हमने अपनी बस करा ली है, 10 घंटे लगेंगे बट सारी रात सोते जाएंगे, सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे। तो बस में अभी है 2-2.5 घंटे, तो अब डिनर करने के लिए बैठ गए। पहले हम सोच रहे थे कि ट्रेन से जल्दी घर पहुँच जाएंगे, इतने खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिक्कत आई तो घर पर खा लेंगे, बट अगर तो भाई सुबह तक करना है तो भाई अब खाना वाना खा के जाएंगे। और लेकिन गाइस बेस्ट चीज़ क्या हुई तुम सोच नहीं सकते, मैं अपनी वो डीप फ्राइड मार्स बार खा पाऊँगा। ऊपर वाला ये चाहता था कि भाई साहब सिकंदर सरावत एडिनबरा से बिना मार्स बार के निकलना जाए, वरना स्कॉटलैंड से बुरा मान जाता, मैं नाराज़ होता यहाँ के लोगों से। ये दुकान देखो मेन्यू में क्या है, तुम्हारी वाइफ टेस्ट टेस्ट हो गई है, उसने कहा बिल्कुल गर्मा गर्म खानी चाहिए आपको इडली वो नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्रीम लगाता हूँ। भाई भाई मज़ा आया, कसम से खा रहा हूँ, लग रहा था नहीं क्या होगा, क्या बकवास चीज़ होगी, पर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा आया। तुम भी खाना घर पे कर लो, चॉकलेट ले आओ डीप फ्राई कर दो। तो भाई मेरा फाइनली स्कॉटलैंड में डीप फ्राइड मार्स बार खाने का सपना पूरा हो गया है, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में।